तो दोस्तों देख सकते हो ये हैं अभी हम मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर, और देख सकते हो रैपिड रेल वो आ चुकी है। तो ये बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, इसके एक्सीलेटर सब कुछ बन गया, देखो फिनिशिंग का काम चल रहा है इसमें तेजी के साथ। हेलो एवरीबॉडी, कहते हैं आप सब आइयो अच्छे होंगे, मैं KP संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं मेरठ साउथ का RRTS का स्टेशन। दोस्तों ये है मोदी नगर नॉर्थ RRTS का स्टेशन। दोस्तों ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था पहले ही, जिस पर कि रैपिड रेल चल रही है दोस्तों, और अभी एंट्री एग्जिट पॉइंट भी इनके अभी दोनों साइड से, एक साइड से खोल दिया गया, दूसरी साइड से ये फिनिशिंग का काम चल रहा, तो वो भी अब खोल दिया जाएगा दोस्तों। पहले ये मेरठ साउथ पे जब उसका मुहूर्त हो जाएगा आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा मेरठ साउथ, तो फिर सारे जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं वो सारे खोल दिए जाएंगे दोस्तों। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए दोस्तों, तो किस तरीके से ये कर्व ले लेती है मोदी नगर में, वो भी मैंने आप सभी को दिखाने की कोशिश की है। तो देखो ये मोदी नगर का नाला है, और नाले के ऊपर ही दोस्तों ये स्टील के आई गटर द्वारा इसको बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे भी दिखाएंगे चल के, एक राइट हैंड पर भी कर्व ले लेता है, तो वहाँ का भी आप सभी को व्यू देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ KP संत के चैनल पर दोस्तों अब आते रहेंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करो। अगला अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को अपडेट देने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं परेशान चल रहा था तो इस वजह से मैं अपडेट नहीं ला पा रहा था, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देखने के लिए मिलें। आप सभी को इंजॉय करो और हमें कॉमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताओ आप सभी के हमारे अपडेट्स आप सभी को कैसे लगते हैं दोस्तों। तो आप लोग देखो ये मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन है, जिसके कि पहले ही इस पर डेंट पेंट का काम पहले ही हो चुका था। अब बताऊं आप सभी को, देखो साइन बोर्ड भी ये लग गया ऊपर मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन। इसमें तीन फ्लोर हैं दोस्तों, कौन कौन लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल पर दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि प्लेटफॉर्म लेवल है, और उस पर स्टील का स्ट्रक्चर लगाया गया है दोस्तों टिन सेट का। और देखो ये पार्किंग आ चुकी है, और पार्किंग देखो आप सभी को बताऊं कि पहले पार्किंग नहीं थी, लेकिन अब बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, और इस पर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये 20 तारीख को आप लोगों के बीच में खोल दिया जाएगा ये मेरठ साउथ का स्टेशन दोस्तों। तो फिनिशिंग का काम चल रहा है, देखो वर्कर लगे हुए हैं चारों तरफ दोस्तों, और तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो दोस्तों देख सकते हो ये हैं अभी हम मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर, और देख सकते हो रैपिड रेल वो आ चुकी है। तो ये बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, इसके एक्सीलेटर सब कुछ बन गया, देखो फिनिशिंग का काम चल रहा है इसमें तेज़ी के साथ में दोस्तों, क्योंकि इसे अब बहुत ही जल्द आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों। मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन है, और पार्किंग भी सारे में ही देखो बन के कम्प्लीट हो चुकी है, देख सकते हो। इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा उस साइड में, इधर तो सारे में हो गया है। देखो ये सीन है, और उधर का भी दिखाते हैं चल के आप सभी को, देखो कुछ ये सीन है, जो कि सारी मशीनें ये लगी हुई हैं। देखो ऊपर का टिन सेट का जो काम है वो किया जा रहा है, इसमें लाइटिंग का काम कर रहे हैं और वायर का, तो यही काम चल रहा है। देखो सारे में ही अभी आप लोगों को देखेगा, सारे में ही टीम लगी हुई है जो कि काम कर रही है, देखो इधर भी, अंदर भी, बाहर भी, सारे तरफ देख सकते हो आप लोग। और अंदर से तो बिल्कुल बन के कम्प्लीट ही हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर अभी रैपिड रेल आई है जो खड़ी है नमो भारत है दोस्तों, तो उसका नाम नमो भारत है। अभी तो देखो इसमें ये डाक से आ गए हैं, इसमें जो डिज़ाइन बनाया है अभी लगाए भी जा रहे हैं, तो अभी इसकी भी सफाई की जाएगी दोनों साइडों से, ठीक है, इधर भी की जाएगी उधर भी की जाएगी, तो कुछ ऐसा ही नज़ारा है यहाँ का।
अच्छा चमक रहा है और चल रहे हैं अब उस साइड में। तो अंदर का सारा काम हो चुका है कंप्लीट और जो भी काम बचा हुआ है बस बाहर का फिनिशिंग का काम बचा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और इसमें 20-22 तारीख में ये आम जनता के लिए ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो चलते हैं दूसरी साइड में, दिखाते हैं चल के। देखो अभी इसमें पट्टियाँ वट्टियाँ लगेंगी, ये लगाई जा रही हैं। और अभी इधर का भी देख लो, जब पार्किंग पिछली बार जब आया तो इसके मुताबिक भाई साहब बिल्कुल फाइनल हो चुका है। देख सकते हो दूसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट ये है। तो ये भी आप लोग देखो किस तरीके से बनाया गया है और क्या काम चल रहा है इस पर तेज़ी के साथ में। सारा काम हो गया है, पहले तो इस पर ऊपर टीन सेट का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों उसको लगाया जा रहा था, आज आया हूँ तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और जो साइडों का डिज़ाइन है वो बनाया जा रहा है, देखो वो लगाया जा रहा है, देख रहे हो आप लोग, देखो ये लगाने का काम किया जा रहा है। तो अभी इसकी सफाई भी की जाएगी, देखो ये सारा बनकर कंप्लीट हो गया। और इसमें रैपिड रेल अभी इस टाइम पर खड़ी हुई है, देखो अब देखो नज़ारा भाई साहब क्या ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ का। तो ये 20 तारीख में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पार्किंग देखो बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुकी है सारे में ही, देखो। और ये लाइट के खंभे लगाए गए हैं कुछ इस तरीके के, तो देखो कुछ ये नज़ारा है दोस्तों। देखो आप लोग एंट्री एग्जिट पॉइंट बनके बिल्कुल कंप्लीट है, जो भी है फिनिशिंग का काम किया जा रहा है और इसके जो साइडों की डिज़ाइन है वो भी बनाने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे, क्योंकि ये 20-22 तारीख में आम जनता के लिए ऑपरेशनल कर दिया जाएगा दोस्तों इसी महीने में। आज 12 तारीख हो ही गई है, बस 8 दिन और बचे हुए हैं और ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो तेज़ी के साथ में इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों, और जो भी वर्क चल रहा है दोस्तों वो फिनिशिंग का ही काम चल रहा है, बाकी तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बनके दोस्तों। चलो मैं दूर से दिखाता हूँ एक बार, देखो सारे में भाई साहब पार्किंग का काम देखो हो गया है, सारे में ब्लैक टॉप हो चुका है। और यहाँ पर आप देखो गाड़ियाँ खड़ी होने लग जाएंगी, तो दोनों साइडों में काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग बनाई गई है दोस्तों। देखो ये ब्लैक टॉप की मशीन ये खड़ी हुई है, ठीक है, रोड रोलर ये खड़ा हुआ है दोस्तों। और देखो कुछ ऐसा है, ये मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन मेरे प्यारे दोस्तों, देखो आप लोग, अब देखो बनकर भाई साहब क्या ही खूबसूरत लग रहा है ये। और ये चला जाता है सीधा अंदर मेरठ के लिए, तो अभी हम मेरठ के अंदर ही चलेंगे और दिखाएंगे चल के आपको प्रतापपुर, रेठानी, शताब्दी नगर, सारे स्टेशन जितने भी हैं वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अपडेट दोस्तों। जो स्क्रीन डोर से थे सारा, मतलब कि स्टेशन के अंदर का काम बिल्कुल फाइनल हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट है, उसमें कुछ नहीं करना है, जो भी काम है बस बाहर का ही बचा हुआ है, वो भी फिनिशिंग का काम अभी यहाँ पर इस टाइम पर किया जा रहा है दोस्तों। सारा फिनिशिंग का ही काम चल रहा है, बाकी सारा काम हो चुका है। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों, KP संत लाता रहता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। बेशक ये छोटा सा ही वीडियो है दोस्तों, लेकिन है काफ़ी अद्भुत आप सभी के लिए, काफ़ी अद्भुत है भाई साहब, मज़ा ही आ गया भाई साहब देख के। देखो आप सभी क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के। तो सारा काम हो चुका है फाइनल पूरा, अब रब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो वो जा रही है रैपिड रेल दोस्तों, जो कि 3-4 ये 20 तारीख में ऑपरेशन किया जाएगा आम जनता के लिए। देखो आप सभी, ठीक है दोस्तों, चलते हैं पास में ही पूछते हैं चल के क्या कहते हैं ये सब। साइन बोर्ड भी लग चुके हैं, देखो ये साइन बोर्ड भी लग रहे हैं, उधर भी लगा दिए हैं, ये वो पार्किंग का बोर्ड है, सारा कुछ हो गया है कंप्लीट दोस्तों। तो बस अभी एक हफ्ते में खोल दिया जाएगा आम जनता के लिए। और इधर ये देखो डेंट पेंट का काम चल रहा है, देखो ये देखो चार में बस यही काम चल रहा है। और देखो ये बीच में भी लगा दिया इन्होंने, प्लांटेशन कर दिया, बस ये सारा काम अब कंप्लीट हो गया। देखो इधर का भी देख सकते हो, चार में ही हो चुका है कंप्लीट भाई साहब, कुछ नहीं बचा है, ठीक है।
तो यही है, चलो चलते हैं, एक हफ्ते बाद देखना यहाँ तक खोल दिया जाएगा। तो जब आते हैं एक हफ्ते बाद दोस्तों, तब देखेंगे आगे, चलेंगे आगे।